नमस्ते दोस्तों, हम सबका किचन में आपका स्वागत है। आज हम बेसन के आलू बनाने जा रहे हैं। अगर हमारे चैनल सब्सक्राइब ना करो तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर ले। हमें बेसन के आलू बनाए बिक लाने हमने लगभग 200 ग्राम तक बेसन ले लो है, एक छान लो है, थोड़ी सी मैं धनिया डारे ले रही है, थोड़ी सी हल्दी डारे ले रहे हैं, आधा चम्मच सब्जी मसाला डारे ले रहे, थोड़ा सा जीरा डारे ले रहे, थोड़ी हींग डाल लें, हल्को सा नमक डाल लें, थोड़ी पिसी मिर्च डारे ले रहे। अब बेसन का अच्छी तरीके का से मिला लें, मैं मिला के माड़ लें, मैं बेसन वहाँ मर कर तैयार है वो है। अब बेसन की छोटी छोटी गोली बनाए ले रहे हैं। आलू सब बन गए, अब इन्हें उबलन धर दे। मैं पानी डाल दें, मैं खोल जान, पानी खोल गया हुआ है, मैं डाल दें आलू, 5-6 मिनट में उबल जाएंगे। जब लगे उबले तो लगा प्याज लहसुन काट लें, अदरक काट लें, मिर्च धो ले रहे हैं, प्याज टमाटर धो ले रहे हैं, प्याज काट लो है, एक बड़ो टमाटर काट लो है, लहसुन अदरक काट लो है, हरी धनिया काट ली है, मिर्च काट ली है, हम काट कर देख ही ले रहे हैं उबल गए कि नहीं उबल गए। आलू उबल गए हैं, निकाल ले रहे हैं, आलू अभी ठंडे हो गए हैं, हम निकाटे ले रहे हैं, आलू मार्केट का तैयार हो गए हैं। अब हमने सरसों को तेल डालना हुआ है, तेल का गर्म हो जान दे, मैं तेल गर्म हो गया हुआ है, जीरो डाल लें, हींग डाल लेगी हमने, अदरक और लहसुन डाल लो, मिर्च डाल लेंगे, हरी प्याज डाल लो, अभी अच्छे से भून जाने दो, मैं प्याज माव बन गया हुआ है, धनिया पाउडर डाल लें, हमें सब्जी मसाला डाल लें, हल्दी पाउडर डाल लें, कश्मीरी पाउडर डाल लें, हमें गरम मसाला डाल लें, हमें थोड़ा सा पानी डाल लें, हमें और मसाला भूज लें, हमें मसाला माव बन गया है। अब हमने टमाटर डाल लें, अच्छे से चला उतरा, हमें बढ़िया से पक जा, हमें टमाटर में पक गए हैं, अब मसाला पहले से भुज गया तो अब आलू डाल ले रहे हैं। पानी डाल ले रहे हैं और सत्ता अनुसार नमक डाल लें,
पके दे रहे हैं। लगभग 10 मिनट रह गए हैं, सब्जी बनकर तैयार हो गई है। आलू चढ़ नहीं आते तो पहले चुरे आते, पानी चुरने आते चुर गए हुए। धनिया डाल लें, आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि हमारी सब्ज़ी कैसी लग रही है।